ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अभी कुछ ही देर में सूर्य ग्रहण लग जाएगा। एक घंटे के बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आज 25 अक्टूबर 2022 है और एक घंटे के बाद सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है। तो ऐसे में जितने भी मंत्र मैंने आपको बताए हैं उन सब को आप सिद्ध कर सकते हैं। जो भी मंत्र सूर्य ग्रहण में सिद्ध होने वाले हैं उनको आज आप सिद्ध कर सकते हैं। और यदि आप गुरुमुख से मंत्र ग्रहण करते हैं तो वो जल्दी फलदायी होते हैं। तो मंत्रों को मुझसे ग्रहण करने के लिए या अपने गुरु से ग्रहण करने के लिए आज सुयोग्य अवसर है। आप आज कहीं भी जाइए, किसी भी गुरु से जो मंत्र है उसकी दीक्षा लीजिए तो वो काफ़ी जल्दी फलित होंगे। और अभी जब एक घंटे बाद ग्रहण लग जाएगा उस समय, उस मतलब 2 बजे से लेके आप 6 बजे तक, इसके बीच में कुछ भी ना खाएं कुछ और कुछ भी ना पिएं। अगर ज़्यादा ही प्यास लगे तो आप पी सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप कुछ भी अपने अन्न ग्रहण ना करें, पानी ना पिए और भजन कीर्तन में अपना पूरा समय निकालें। ये जो 4 घंटे हैं इनमें भजन कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें, जितना हो सके मंत्रों का जाप करें। यदि आप इस तरह की मानसिकता इस ग्रहण में रखेंगे तो इसके नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेंगे। अन्यथा सूर्य और चंद्र के बहुत कुप्रभाव होते हैं जो कि हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस बीच में बस 4 घंटे का समय है, इसमें आपको या तो कोई भगवान की कोई मूवी देख लीजिए या कोई सूक्त उसका पाठ कर लीजिए या मंत्रों का पाठ कर लीजिए या किसी मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। तो यदि आप धर्म कर्म में किसी को दान कर देंगे, कुछ भी किसी गरीब के घर जाकर उसको दान कर दीजिए या गाय को चारा दे दीजिए, रोटियां खिला दीजिए, तो जितना हो सके इसमें आपको दान करना है। ग्रहण में दान को बहुत महान माना गया है और इसके जो है फल आपको कुछ ही दिनों में दिख जाएंगे। और भूल कर भी इस ग्रहण में सोइएगा नहीं। जो सोता है ग्रहण में वो सोता ही रह जाता है। आपके जो भाग्य के द्वार हैं वो बंद हो जाएंगे अगर आप इसमें सो गए तो, और जो लोग भजन कीर्तन करेंगे उनके द्वार खुल जाएंगे। तो ये जो अवसर है बहुत ही कम लोगों को पता है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल में लिया जाता है। ये एक द्वार है, जब ये खुले तो उस समय आपको धर्म कर्म जी खोल के करना चाहिए। उस समय कुछ मत सोचिए, बस जितना दान हो सके वो कीजिए तो उसका दुगना 100 गुना दुगना आपको मिलेगा। आप बस दिल खोल के दान कीजिए, भगवान की भक्ति में रम जाइए। और ये जो 4 घंटे आपको मिल रहे हैं इसमें कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं। अभी सुबह से ही मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी मोहिनी मंत्र दीजिए, मोहिनी मंत्र दीजिए। तो आप जो हैं गुरुमुख से मोहिनी मंत्र ले सकते हैं। अभी 1 घंटा हमारे पास पड़ा है, इसमें आप वो मंत्र ले सकते हैं और उसके बाद इन 4 घंटे में उसका ही जाप कीजिए तो वो सिद्ध हो जाएगा। और भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर कुछ पूछना हो कि क्या समय है। समय रहेगा, आज जो ग्रहण लगा है उसका समय है 2:30, तो ये 2:30 पे शुरू हो जाएगा और 6 बजे तक रहेगा। तो इसके बीच में आपको सावधानियाँ रखनी है, जितना हो सके भगवान की भक्ति में रमे रहिए, यही आपको भव से पार कराएंगे। धन्यवाद।